फ्रेंड्स माय सेल्फ रोहित। तो फ्रेंड्स 16 और 17 सितंबर को आपका CITS का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो कट ऑफ है, वो पिछले साल का जो कट ऑफ है, मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन है 2019 के लिए था। तो दोस्तों, इसमें जो कट ऑफ था जनरल का, उसमें 100 में से 33 मार्क्स था, और OBC NCL और जनरल EWS के लिए 29 था, और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 20 मार्क्स था। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इस साल जो ये कट ऑफ है थोड़ा इंक्रीज़ होगा, बट ओवरऑल 35-40 के अंदर ही जनरल का कट ऑफ बनेगा। और काउंसलिंग प्रोसीजर भी आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें जो काउंसलिंग फ़ीस जो थी वो उसमें 1,000 रुपये थी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और काउंसलिंग फ़ी विल बी एडजस्ट इन द एडमिशन फीस। जब आप एडमिशन के लिए जब वहाँ पे जाएंगे, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो ये उसमें से डिडक्ट, फीस में से डिडक्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, फेज़ की ये देखिए, फेजेस ऑफ काउंसलिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें 3 फेज में काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकेंड राउंड काउंसलिंग एंड मोप अप राउंड। और इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? आप जब एलिजिबल होंगे, आप जब वो अपना देखेंगे काउंसलिंग का स्टेटस, और जैसे आपने फॉर्म फिल किया था उसमें हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आपने लॉगिन किया था, तो लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन नीचे दे रहा होगा हॉल टिकट के बाद, चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आप इंस्टीट्यूशन को चॉइस करेंगे, जिस सारे NSTI के उसमें नाम होंगे, आप उनको चूज़ करेंगे। जब ये सब सारे प्रोसीजर तब होंगे जब आप 1,000 रुपये काउंसलिंग फीस सबमिट कर दिए रहेंगे। तो मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट चॉइस आर मेड मैंडेटरी, तो आप मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट चूज़ कर सकते हैं, और वो आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो है। कुछ कॉलेजेस के जो कट ऑफ है वो अलग अलग अपने हिसाब से वो एडमिशन लेते हैं, और आपके यदि 70+ मार्क्स रहे तो आपको किसी भी NSTI में एडमिशन मिल जाएगा। आप उस कॉलेज के लिए सेलेक्ट करके आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके किसी नियर बाई NSTI कॉलेज में हो सकता है। जैसे UP के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है वो NSTI कानपुर में हो शायद। तो चलिए फ्रेंड, पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड होगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट ये निकाली जाएगी रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, फिर आप देख सकते हैं प्रोविजनल एडमिशन का प्रोसेस। वीडियो को पॉज करके आप यहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो फर्स्ट जो आपने काउंसलिंग फ़ीस जमा की है 1,000 रुपये, उसका जो नोटिफिकेशन है वो जनरेट करके ज़रूर रखे रहिएगा अपने पास। फिर एकेडमिक सर्टिफिकेट जो आपके पास 8th, 10th एंड 12th की है उन्हें ले लीजिएगा। फिर मार्कशीट और सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI, आपने ITI किया हो तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो, डिग्री किया है वो, डिप्लोमा किया है वो, उसके सर्टिफिकेट जो आप लोगों ने लगाए होंगे रजिस्ट्रेशन के समय, वो सभी ले लेने हैं। या एक आपके पास ये तीनों है तो आप तीनों ले जा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट हो तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं, और EWS सर्टिफिकेट, आपने EWS का मोड चूज़ किया था तो EWS का सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होना चाहिए, और PWD सर्टिफिकेट है तो वो आप एक्स सर्विस मैन है तो उसके लिए भी वो ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग किस तरह से होगी, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें देख लीजिएगा। मॉपअप राउंड में क्या होता है, मॉपअप राउंड का भी यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मेट, जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही अपने सर्टिफिकेट को प्रिपेयर कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि किसी बच्चे ने अपेयरिंग पे भरा है फॉर्म, अपेयरिंग पे, तो उनके पास रिजल्ट तो उन्हें मिला नहीं होगा अभी, तो फ्रेंड्स वो एक एफिडेविट बनवा लेंगे स्टाम्प पेपर पे कि मुझे अभी ये
मैं इस कॉलेज से हूँ, मेरा रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं कॉलेज में सबमिट कर दूँगा। आपको कोई क्वारी होगी तो इनके ऑफिशियल यहाँ पे मेल आईडी दी हुई है, आप इस पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और मैं जल्दी जब रिज़ल्ट आएगा तो ये एक और वीडियो अपलोड कर दूँगा जस्ट। ओके, थैंक यू।